रिवायत में आता है कि बहुत सारे सहाबा ये समझे या तो वही नाते नबी है या रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमको छोड़कर चले गए। तो बाद सहाबा ने तो नमाज की हालत में सर उठा कर देखा क्या सर होगा क्या अब बोलो कितनी देर हुई होगी कितना तवील सजदा हुआ होगा। इमाम हसन आपके पुश्ते मुबारक पर सवार है सरकार सजदे पर इतना तवील कर दिया कि सहाबा में बेचैनी पैदा हो गई। जब नमाज खत्म हो गई सरकार दो आलम ने फरमाया कि मैंने आज सजदा इसलिए इतना तवील किया ना मुझ पर वही आई ना मैं तुमको छोड़कर गया बल्कि इसलिए आज इतना तवील सजदा किया हूं क्योंकि मेरा नमाज था मेरा लगते जगर इमाम हसन मेरी पूछ पर सवार था अगर मैं अपनी पीठ को उठाता मेरा हसन गिर जाता मैं पसंद नहीं करता था कि मेरे हसन को तकलीफ हो तो मेरा हसन अलैहि सलाम जब तक थे मेरी पूछ पर सवार थे मैंने उनकी तकलीफ का लिहाज करके सजदे को कबूल किया। जब इमाम हसन का दिल भर गया इमाम हसन पुश्ते मुबारक से हटे तो सरकार ने फिर सजदे से सर उठाया नमाज की तकमील की। तो बताओ नमाज के हालत में भी सरकार दो आलम इमाम हसन से मोहब्बत कर रहे हैं अब तुम उम्मती हो यजीद की तारीफ कर रहे हो नमाज पढ़ के तुम उम्मती हो कुरान पढ़ के यजीद की तारीफ कर रहे हो तुम उम्मती हो नमाज पढ़ के तकबे के बाद करके यजीद की तारीफ कर रहे हो। अरे सरकार नमाज भी इसलिए आदत अमीर कर रहे हैं मोहब्बत हुसैन की वजह से सरकार नमाज को तवील कर रहे हैं। तो पता चला ख्याल हसनैन करीब से नमाज में इजाफा होता है इबादत तवील हो जाती है जब नबी की इबादत में खलल नहीं पड़ता तो हमारी इबादत में क्या खलल पड़ेगा। इसलिए अब इमाम हसन हुसैन की फातिहा दिलाते हैं अब्दुल्लाह के नहीं दिलाए अब शरबत बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे अब खिड़की बनाएंगे कि नहीं बनाएंगे दस मोहर्रम को फातिहा दिलाएंगे कि नहीं दिलाएंगे। नमाज में सरकार मोहब्बत फरमा रहे हैं अल्लाह के सामने खड़े हुए हैं मगर इमाम हसन का ख्याल है कब हसन उतरेंगे कब हसन उतरेंगे अल्लाह से रवानगी भी है हसन से भी रवानगी भी है। तो पता चल गया हसन का ख्याल अल्लाह की लौ को बढ़ा देता है इसलिए सरकार ने कहा इनसे मोहब्बत करेगा तो अल्लाह खुद तुमसे मोहब्बत करेगा। समझ में आती बात इसलिए सरकार ने फरमाया इसलिए तो सरकार ने कहा अल हसन व हुसैन सैयद शबाब अहले जन्नत इमाम हसन इमाम हुसैन नौजवान जन्नत के सरदार हैं सरकार की फरमा है। अभी उम्र इमाम हुसैन करबला में क्यों आए करबला किस लिए इमाम हुसैन को नहीं जाना चाहिए था लोग यजीद पलीद की तारीफ कर रहे हैं अब बोलो इमाम हुसैन पाक है कि नहीं है इमाम हुसैन जन्नतियों के सरदार हैं कि नहीं है। तो जब इमाम हुसैन मदीने से निकले हैं तो उनका हर कदम पाक है जन्नती है कि नहीं जब मक्के से निकले हैं तो इमाम हुसैन का हर एकदम पाक है जन्नती है कि नहीं है। जब इमाम हुसैन करबला में आए हैं तो बोलो कि एकदम पाक है जन्नती है कि नहीं है बोलिए ना। तो फिर इमाम हुसैन को मालूम करबला में क्यों आए किस लिए आए इसलिए आए कि यजीद पलीद दीन को नापाक कर रहा था इमाम हुसैन पाक है सरकार मुझसे बहुत रखेगा जो मुझसे
अब आप दो तक में जाना चाहते हैं क्या लजीज की तारीफ करने? आजकल ऐसे निकल गए हैं लोग लजीज की तारीफ करने के लिए, लजीज को अमीर मोमिनीन बोल रहे हैं, अस्तगफिरुल्लाह माअल्लाह, लजीज को बोल रहे हैं कि अच्छा था तो तुम जाकर चूमो हम इमाम हुसैन का दामन थामे, यजीद को जन्नती बनाने, तुम्हारी वजह से यजीद जन्नत में जाएगा, अरे तुम्हारी वजह से यजीद जन्नत में नहीं जाएगा, इमाम हुसैन की वजह से हम जन्नत में जाएंगे। वो इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम की मर्तबा और शान और इज्जत है। इमाम हुसैन अलैहिस्सलाम दर्शीदा बैठो बेटे दर्शीदा बैठो, इमाम हसन और हुसैन ऐसे इनफरादी शान के मालिक है जिनकी तारीफ रसूल पाक करते हैं, जिनकी तारीफ खुदा अज़्ज़ोजल करता है। अल्लाह तबारक व तआला ने उनको एक मुनफरिद मुकाम अता फरमाया है, इसलिए उनका जंग करना भी बेमिसाल है, उनका जंग में जाना भी बेमिसाल है, उनका दीन को बचाना भी बेमिसाल है। इसलिए हुजूर ख्वाजा अली इमाम ने फरमाया, शाह अस्त हुसैन, बादशाह अस्त हुसैन, दी अस्त हुसैन, दी पनाह अस्त हुसैन, कि हजरत ख्वाजा अमेरी का ये ईमान और अकीदा है कि इमाम हुसैन शाह भी है बादशाह भी है। यानी मतलब क्या हुआ कि हजरत ख्वाजा अमेरी का ईमान अकीदा क्या है, इसलिए हम ख्वाजा अमेरी को औलिया का ईमान ये तो इनकी मोहब्बत अल्लाह तबारक व तआला ने हम पर फर्ज खाली किया है। आप लोग इमाम शाफई रजी अल्लाह तआला अन्हु के मानने वाले हैं ना भाई? आप इमाम शाफई रजी अल्लाह तआला की पैरवी करते हैं ना? इमाम शाफई के तरीके से नमाज पढ़ते हैं ना? इस मस्जिद में इमाम शाफई रजी अल्लाह तआला का तरीका चलता है। अल्लाह आप लोगों को खुश रखे, हमेशा इमाम शाफई का नाम ना आपके हाथ में रखे। कुल लाफतु अलैहि अजरुल मुअद्दता की इस तनाजुर में इमाम शाफई ने फरमाया कि रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खराबतदारी अल्लाह तबारक व तआला ने उनकी मोहब्बत को तुम पर फर्ज किया। तो आइए आप इमाम शाफई की अक्सिया पढ़ो, इमाम शाफई का जिक्र कर रहा हूं उनके उनके जो तरीके से नमाज पढ़ दिया अल्लाह उसको पसंद करता, जाके टांगा चीर के नमाज पढ़े तो पसंद नहीं करता। ये सल्फियों हल्फियों के तरीके से, ये पकौड़ों के तरीके से नमाज पढ़े तो टांगा चीर के लंगे से नमाज पढ़े तो नमाज कबूल नहीं होती। इमाम शाफई जिस अंदाज से नमाज बताई है उस अंदाज से नमाज पढ़े तो वो रसूलुल्लाह की नमाज हो जाए। अब इमाम शाफई का अकीदा, अब आप बोलिए यहां जितने अरब बैठे हुए हैं हम उस अरब की इज्जत करते हैं जो इमाम हुसैन की इज्जत करता है। अबू जहल की इज्जत नहीं करते, अरब उन्हें भी है ना? अरब तो अबू जहल भी है, अबू जहल भी है, हर अरब की इज्जत और हर अरब से मोहब्बत नहीं करते। हालांकि अरब की मोहब्बत करने का सरकार ने हुक्म दिया है, लेकिन इसके माने ये नहीं कि हम अबू जहल से मोहब्बत करें। हम उस अरब की से मोहब्बत करते हैं जो सिद्दीक अकबर अरब है उनसे मोहब्बत करते हैं, फारूक आलम अरब है उनसे मोहब्बत करते हैं, हजरत उस्मान अफगनी अरब है उनसे मोहब्बत करते हैं, हजरत अली अरब है उनसे मोहब्बत करते हैं, इमाम हुसैन अरब है उनसे मोहब्बत करते हैं, इमाम हसन अरब है उनसे मोहब्बत करते हैं, इमाम शाफई अरब है उनसे मोहब्बत करते हैं। समझ रहे हैं? ये कुरैशी है हजरत इमाम शाफई रहमतुल्लाह अलैह, सरकार ने जिनकी इमाम शाफई की तारीफ की उनके इल्म में मुकाम मर्तबा सरकार ने बयान किया कि ऐसे बड़े आलिम पैदा होंगे कुरैश में, वो अरबों के इमाम है इमाम शाफी जिसकी तारीफ जबान रिसालत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने की। आप तो ऐसे इमाम मिले, आप खुश नसीब हैं, मगर मैं देखता हूं शाफियों को खुद अपना मसल नहीं मानू, जाके जो है ना वो सऊदियों का मसल इख्तियार है, जाके इनका उनका मसल इख्तियार है। आप शाफी हैं, शाफी तरीके सीखिए, शाफी फिका पढ़िए, शाफी अंदाज पढ़िए। आप लोगों को तो रकात में कुछ देखता हो तो अलग अलग पढ़ने की, अरे इमाम शाफई ने जो अंदाज सिखाया है वो सीखो अपने बुजुर्गों से शाफियों से, और सबसे पहले उनका मसलक सीखने से पहले उनके अकीदे को मानो। हम इमाम शाफई को इस बात से मानते हैं अहले सुन्नत जमात का इमाम, क्योंकि वो इमाम आदम अबू हनीफा के अकीदे पर है, और इमाम आदम अबू हनीफा इमाम शाफई के अकीदे पर, इनके अकीदे में कोई तजाद नहीं है,
ان کے عقیدے میں اختلاف نہیں ہے، اس لیے امام شافعی کو ہم اپنا امام مانتے ہیں۔ ہم حنفی ہو کر بھی امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اپنا امام اس لیے مانتے ہیں کیونکہ امام شافعی امام اعظم ابو حنیفہ کا عقیدہ ایک ہے۔ انہوں بھی رسول پاک کی عزت و عظمت و محبت کرتے ہیں اور امام شافعی بھی عزت و محبت کرتے ہیں اور امام ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اہل بیت سے محبت کرتے ہیں، امام شافعی بھی اہل بیت سے محبت کرتے ہیں۔ اب کل لاتر علیہ اجر المودت فی القربا کی تشریح کرتے ہوئے امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جو اشعار پڑھے ہیں، جو اشعار لکھے ہیں، جو قصیدہ بیان کیا ہے، ابو بکر بھیا تھوڑی دیر بیٹھ جاؤ، تھوڑی دیر سے اہم ترین آپ کو بات رکھ دو، آپ کو بھی سنیے، آ جائیے قریب آ جاؤ۔ یہ شافعیوں کے لیے ہے، آپ تو شافعی حضرات کی نظر کر رہا ہوں لیکن اور ان کے امام کی چیز پیش کر رہا ہوں۔ اگر آپ حضرت سیدنا امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو اپنا امام مانتے ہیں تو یہ عقیدہ رکھیں گے، پہلے بیت اٹھار سے ایسا تعلق رکھیں گے، یزید پریت کی تعریف نہیں کریں گے، ذلیل کو دو دفعہ سمجھیں گے۔ میں امام کی بات کر رہا ہوں، اپنے امان کی بات کر رہا ہوں، اپنے جنت میں جانے کی بات کر رہا ہوں۔ حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کل لازم علیہ اجر المودت کی تشریف فرماتے ہوئے پورا اہل بیت اطہار کی شان میں قصیدہ لکھا۔ جب امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت اطہار کی خدمت کرتے تھے، اہل بیت اطہار کو نذرانے پیش کرتے تھے، اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے تھے، اہل بیت اطہار کے مخالفین کا جواب دیتے تھے، یہ امام شافعی کا انداز۔ آپ شافعیوں کو بھی چاہیے یزیدیوں کا جواب دیں، کیونکہ امام شافعی بھی یزیدیوں کو جواب دیتے تھے، اہل بیت اطہار کی تعریف کرتے تھے، ایسی تعریف کرتے تھے، ایسی تعریف کرتے تھے، ایسی تعریف کرتے تھے کہ لوگ ان کو راضی کہتے تھے۔ یہ آج کل جو اہل بیت کی تعریف کر رہا اس کو راضی کا ٹائٹل آپ بھی دیتے، تو آپ اسے نہیں ہے یہ ٹائٹل جو اہل بیت کی محبت میں آج سے 1400 سال پہلے 1400 سال میں یہ ٹائٹل ہر اہل بیت کے چاہنے والوں کو دیا گیا اور اہل بیت کے چاہنے والوں کو مارا گیا، سزا دی گئی، کوڑے برسائے گئے، زہر دیا گیا۔ امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ کو زہر اس لیے دیا گیا کہ وہ اہل بیت اطہار کو چاہتے تھے اور امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ کو بغداد میں ننگے پیر پھرایا گیا، اذیتیں دی گئی، آپ کو معلوم ہے اس لیے دی گئی کہ امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اہل بیت کی تعریف کرتے تھے، امام حسن حسین کے خون ڈالتے تھے، ان کے خاندان والوں کی خدمت کرتے تھے، سیدوں کے قدم چومتے تھے، اس لیے امام شافعی کو سزا دی گئی، آپ کو ننگے پیر پھرایا گیا اور آپ پر مصیبتیں ڈالی گئی، مگر امام شافعی کو راضی ہونے کا ٹائٹل جب دیا گیا تو امام شافعی نے یہ قصیدہ لکھا۔ کیا لکھا سنیے، لکھیے ذہن حاضر ہے آپ کا، سن رہے ہیں آپ اور یاد کر لیجئے، یہ اشعار ہر شافعی کو یاد ہونا چاہیے اور ہر شافعی اتنا جانا چاہیے اہل بیت کو کہ ہر شافعی کو راضی کا ٹائٹل ملے۔ اور آپ بیان کر رہے ہیں حضرت امام شافعی رضی اللہ تعالیٰ، لو کان للزن حب آل محمد فلیجد ثقلین علی راضی، فرما رہے ہیں حضرت، یہ شعر ہے عربی کا، عربی زبان میں آپ نے اشعار لکھے ہیں، اس میں یہ فرمایا ہے اے شافعیو، اے عربو، کیسی محبت تھی ہمارے ائمہ کے دل میں اور آج کیا ہے، یہی عرب یزید کی تعریف کر رہا ہے، یہی عرب شمر کی تعریف کر رہا ہے، یہی عرب سلفی ہو رہا ہے، امام شافعی کے نام کو چھوڑا ہے، اے عربو اپنے ایمان کو بچاؤ، امام شافعی کے غلام بن جاؤ۔ کیا بیان کر رہے ہیں آقا امام شافعی، کیا فرما رہے حضرت امام شافعی، ذرا تو توجہ تو دو، یہی بات آپ کے سامنے میں بیان کرنے کے لیے آیا ہوں، یہی میرا درد ہے، یہی میرا کرم ہے، اٹھو وہابیوں کو جواب دو، ان کو اپنے محلوں سے نکالو، ان کو اپنے گھروں سے نکالو، بیٹا ہے تو لات مارو، باپ ہے تو باپ سمجھو، خالو ہے تو سڑا آلو سمجھو، پھپھا ہے تو پھپھا سمجھو، اور
मीठा भाई को। उन्होंने कहा अगर अहले बैत की मोहब्बत तुझ से तो बेशक मैं राजी हूं, मैं राजी बनना पसंद करता हूं, मगर दामन अहले बैत को छोड़ना पसंद नहीं करता। ऐसी मोहब्बत करो तुम शरबत छोड़ दिए, तुम खिचड़ी बनाना छोड़ दिए, तुम खिचड़ा बनाना छोड़ दिए, तुम उनका नाम लेना छोड़ दिए, या अफजान कहना तो शिर्क समझ रहे हैं। क्यों शाफई है तुम्हारा बैत, तुम्हारा बहुत जंगल में जाएंगे इमाम शाफई को छोड़ दे, जिस शाफई की सरकार ने तारीफ की है, जिसके मजहब को सरकार ने पसंद फरमाया है, उनका यह अकीदा है कि अगर आले मोहब्बत की मोहब्बत, इसलिए अरबों उठो दस मोहर्रम को शरबत बना के तकसीम करो, बता दो हम इमाम शाफई के मानने वाले हैं। अगर तुमको भी राजी कहता है तो बोलो हमारे इमाम ने कैदू को पसंद किया है, हम भी पसंद करते हैं, तू बोल रहा है यार सुना अपने शरीक है, हम बोल रहे हैं हम शरीक है, हम क्या क्या कर लेता कर ले। ये मामे चाहते हैं रस्ता बताए, हम तो बोल रहा शरीक है, हाँ कर रहे हैं हम शरीक, मगर यार सुना बोला नहीं छोड़े, क्यों डर रहे हैं अपने शरीक बोल रहा। अरे तू मुशरिक तेरा बात मुश्किल, हम तो यार सुना बोलेंगे, तू बोल रहा यार ही कहना शरीक है, हाँ हम मुशरिक है, क्या क्या कर लेता कर। ये है अंदाज हजरत इमाम चाहते का, बोल रहा थी बोल क्या कर लेता बोल, मैं राजी हूँ मगर अहले बैत का दामन नहीं छोड़ता, इसलिए बोलो हाँ मुशरिक है, मगर या रसूलल्लाह कहेंगे, या अली कहेंगे, या गौस कहेंगे, या खाजा कहेंगे, मगर दामन मौतम ने खाजा नहीं छोड़ेंगे। समझ में आ रही है यार को, अल्लाह आपको इज्जत दे। बात समझ में आ रही है अपने इमाम की। अब आगे बयान फरमाते हैं, देखिए कुल लातुल अलैहि अजरन इल्ला मादा फिल खुरबा की तनाजुर में आपने ये शेर लिखा है, क्या कहा, या अहलल बैत रसूलुल्लाह हुक्कुकुम फर्जुन मिनल्लाह फिल खुराक अंदला, कि आप फरमाते हैं ऐ अहले बैत के रसूल, ऐ हजरत फातिमा, ऐ हजरत अली, ऐ हजरत इमाम हसन, ऐ हजरत इमाम हुसैन, आपकी मोहब्बत, आप लोगों की मोहब्बत अल्लाह ने कुरान में फर्ज कर दी। ये इमाम शाफई का अकीदा है, अहले बैत की मोहब्बत अरबों पे फर्ज है, कुरान में फर्ज की गई है, आपके इमाम कह रहे हैं, मेरे इमाम कह रहे हैं, इसलिए मैं इनको इमाम मानता हूं, इसलिए मैं उनकी बात को फैला रहा हूं। हाँ आप ही सिर्फ इमाम शाफई के खातिर नहीं है, ये हनफी भी उनका खातिर, हाँ इसलिए उनकी बात करा रहे हैं क्योंकि वो भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं और उनके बताने से हम भी अहले बैत से मोहब्बत करते हैं। अब आप करेंगे नहीं करेंगे अहले बैत की मोहब्बत को फर्ज समझेंगे कि नहीं समझेंगे, क्या यजीद की तारीफ करेंगे, सुमर की तारीफ करेंगे, और यजीदी टोलों की तारीफ करेंगे, आजकल जो यजीदी निकल गए हैं, यजीदी कौन है जो बोला फातिहा में लोग कौन है, कौन है फातिहा ना जो बोलने वाला, दरगाह को नहीं जाओ बोलने वाला कौन है, या रसूल को बोलने वाला कौन है, मीरा के दुश्मन निकालने वाला कौन है, या मोहम्मद का कहने वाला कौन है, ये है यजीदी। इनकी नमाजों को मत देखो, इमाम शाफई के कौल को देखो, इमाम शाफई के अकीदे को देखो, इमाम शाफई के रिवाज को देखो, फिर पढ़ रहा हूं शेर आप पढ़िए, या अहलल बैत रसूलुल्लाह हुक्कुकुम फर्जुन मिनल्लाह फिल कुरान अंदरला, अल्लाह की तरफ से इनके आपकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में फर्ज कर दिया है, ये अल्लाह की तरफ से कुरान में आ गया है, इसलिए अहले बैत रसूल आपकी मोहब्बत हम मुसलमानों के लिए फर्ज है। अब नहीं माने तो आपका ईमान चले गया। कई लोग शाफई को छोड़ दिए, बारकस में किंग को टीम में काका रहे अरबा, खाली हलीम खाने से अरबा नहीं हो जाते, इमाम शाफई का अकीदा रखने से अरब होते हैं, शाफई होते हैं।
खाली खावा पीने से आराम नहीं होते, खजूरा खा लेने से आराम नहीं होते, रसूल से आले बैत से मोहब्बत करने से, उनकी मोहब्बत को फर्ज समझने से आराम होते। समझे आप, वो है शाम अरबों की और आप वहां जाके खरबा मत देना। अरब बनो तो खराब बनने, अरब बनो खराब बनो, अरब बनो। इमाम हुसैन के गुलाम बनेंगे तो अरब होंगे, नहीं तो यजीद के गुलाम बनेंगे तो दो दर्शी हो जाएंगे। आपके इमाम फरमा रहे हैं, मेरे इमाम फरमा रहे हैं कि उनकी अल्लाह ने मोहब्बत फर्ज की है। क्यों? कि उनकी नजर में यह कुरान की आयत है, खुल नास कि हबीब फरमा दीजिए कि हम अगर तुम आयदा देना चाहते हो, मैं तो तुमसे मांगता नहीं लेता है, मगर मेरी अहले बैत से, मेरे खराबतदारों से मोहब्बत करो। आपके खराबतदार कौन है? तो सरकार ने फरमाया फातिमा मेरी खराबतदार है, अली मेरे खराबतदार है, हसन मेरे खराबतदार है, हुसैन खराबतदार है। इनकी मोहब्बत को अल्लाह ने कुरान में जाहिर फरमाया। यही बात इमाम शाफई रज़ी अल्लाह अन्हु फरमाते हैं और ये शेर तो बड़े कमाल का शेर है। आपको समझ में आ रहा? खर्च करने में सुभान अल्लाह बोले तो माशा अल्लाह बोले, ऐसा मालूम हो रहा मैं नई चीज पेश कर रहा हूँ। अरे अरवा है, मैं तो समझा था आप सुभान अल्लाह के ऐसे नारे मारेंगे खुश होकर मैं बयान कर रहा हूँ। क्यों सुन रहे? इसलिए पकौड़े पकड़े। अरे जवाब में सुभान अल्लाह तक नहीं आया, आपके इमाम का शेर सुना रहा हूँ। माँ की एक शायर आके पढ़ा तो सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह, उसको पैसे देते नहीं। मैं किसके शेर सुना रहा हूँ? आपसे पैसा मांगो। अरे सुभान अल्लाह तो बोलो इनके शेर पे। किसके शेर है? कहते अरब है, अरब नहीं है, अरबों में जान लगे जी, क्योंकि इमाम शाफी के शेर को सुभान अल्लाह कहें। फिर मरतबा कह दो सुभान अल्लाह है भी यहाँ, इतने भी आदाब नहीं मालूम है, इतने भी खादे नहीं मालूम है। एक मामूली शायर आके शेर सुनाया तो सुभान अल्लाह रुपयों की बारिश कर देते, करते कि नहीं करते? फिर ये इमाम शाफी के अशआर सुना लो, ये मेरे नहीं है। और आप अरब होके सुभान अल्लाह नहीं बोल रहे, इतने भी आदाब से बात नहीं है। इसलिए अदब सीखो, कुली मरकजी मजलिस अहले सुन्नत के जलसे में आओ, हरिद्वार को जामे मंजर नगर में आओ। अगर हम अपने दीगर लोगों में बैठ के अशआर सुनाते सुभान अल्लाह से मस्जिद को गूंज जाती थी। वो अशआर सुना रहा हूं मैं आपके सामने, अब शेर सुना रहा हूं, अब आपकी जबानों पर सुभान अल्लाह आना चाहिए। अब क्या है ये बेहिसी का आलम? इस बात से पकौड़े हो रहे कहेंगे अरब है जी जिले हरमान। अरे अपने ईमान की तारीफ नहीं करते, अपने ईमान के शेर पर तहसीन नहीं पकते थे, हमें भी अपने ईमान के अशार को पसंद नहीं करते। अरे उनका अकीदा देखो कितना बुलंद है। आज से 14 साल देखिए, ये आज का अकीदा नहीं है, ये शुजात अली ने कह रहा है। शुजात अली जो कह रहा है तो इमाम आदम अबूनीफा की मलफूजात की रोशनी में, इमाम शाफई के तरीके की रोशनी में कह रहा है, हुजूर अली मुआज के तरीके में कह रहा है। अब आप लोगों ने सुभान अल्लाह है ना माशा अल्लाह है, ऐसा मानो आप बेजार चुप बैठे हुए, तब जैसा हमारा तो भाग जाती होगी। ये जलसे से भागने की फिक्र मत करो, यही जलसा हमको और आपको जन्नत में लेके जाए। इसका जिक्र कर रहा हूं मैं, इमाम शाफई कौन है? इशारा कर देंगे तो जन्नत मिल जाएगी। वो जाते गिरानी है इमाम शाफई की, आप पहचान गए। मैं आपको बता रहा हूं तो आप ना सुभान अल्लाह बोल ना माशा अल्लाह, क्या तो भी बोल रहे हैं, फिर उर्दू में भी समझा हो ना। अरे मैं नहीं आ रहा, सुभान अल्लाह बोलिए, अपने इमाम की तारीफ कीजिए तो अल्लाह खुश हो जाएगा। नहीं इमाम नहीं है, हम ये हूँ लोगों में, हालांकि मैं इमाम आदम अबूनीफा का पैर हूँ, मैं अपने इमाम की बात करना चाहिए, लेकिन मेरे पास ये नहीं है तेरा इमाम मेरा इमाम, मेरे पास हर इमाम इमाम है। और आपको मैं नहीं समझ रहा, हम फिर सुना रहा बल्कि तुम कर रहे, मेरा शुक्रिया अदा करो। क्या बोल रहे हैं आप? अब ये बोलना पड़ रहा आपको अदब सिखाने के लिए। देखिए आप शेर सुना रहा हूं, आप देखिए कितनी सुभान अल्लाह बुलंद होती है। क्या शेर लिखा है मेरे आका इमाम शाफई रजी अल्लाह तआला, यफिकुहुम मिन अज़मिल फ़क्र अन नबु मन लम युसल्ली अलैकुम ला सलाम अलैकुम। सुभान अल्लाह नहीं बोला, शेर खत्म हो गया सुभान अल्लाह में। हाँ
बोलो यजीदियों की नमाज होती पकड़ों की नमाज होती बहादियों की नमाज होती फिर आप उनके पीछे नमाज क्यों पढ़ते इमाम शाफी को नमाज नहीं होती इमाम शाफी अब हमारे लीडर को कलमे की दुनिया पर एक इन्हों इमाम शाफी से लड़ रहे इमाम शाफी तो बोल रहे हैं कलमे की दुनिया पर एक नहीं होते हम रसूल और आले बैत की मोहब्बत की दुनिया पर एक नाना का कलमा पढ़े आज निकला है सड़ा कलमे की दुनिया पर एक
अपनी दुनिया की मफाद के लिए कह रहा है, कल होना चाहना मेरे हो जाए इंतजार करने की दुनिया पर है, ये तो देखना था कि किसके रवाजे है। जब उन्होंने किसको तो बाकिया नहीं किया तो हम तेरे कल में जाने हाथ नहीं करते, हम तेरी नमाज का लिहाज नहीं करते, हम तेरी लीडी का लिहाज नहीं करते, हम तेरी दौलत का लिहाज नहीं करते, हम लिहाज करते हैं तो अरे बहन की भाव पर लगा। मैं गलत कह रहा हूं क्या? बोलिए, कल जाने के बाद में बोला आदमी पूछ लेना, इतनी हिम्मत है तो मेरी तकलीफ सुनना, इतनी हिम्मत है तो मेरा साथ दीजिए। मैं बोलिए हाँ कह रहा हूं कि नहीं कह रहा हूं, क्योंकि मेरे आका भी हमजा है करने के लिए करबला में आए और मैं भी आपकी मस्जिद में इमाम शाफी का नाम लेकर हाजिर है कर रहा हूं। आप हमके साथ है कि नहीं है? आप हमारा साथ दीजिए। अगर हम हक पर है, हम सदाकत पर है, हम इमाम हुसैन के गुलाम है, हम रसूल पाक के गुलाम है, तो आप भी रसूल पाक के गुलाम, आप भी इमाम हुसैन के गुलाम। अब हमारा आपका इत्तेहाद होगा, आप इत्तेहाद करेंगे कि नहीं करेंगे? इत्तेहाद दीजिए हमसे, आइए हमारे हाथ मजबूत कीजिए, जाने मस्जिद अफजल गढ़ में हर इतवार को सुबह 10 बजे मरकजी सुन्नी इज्तिमा मुनाकिद होता, आइए ऐसे कई आपके डाउट्स को क्लियर किया जाएगा, आपके अकीदत को मजबूत किया जाएगा। आप तशरीफ लाएंगे ना? देखिए हमारे जनाब मोहम्मद बिन अली पाशा भाई साहब, उनके साहब तकान महल कई बच्चे हर इतवार को जाने मस्जिद अफजल गढ़ में आते हैं। आप भी सीखिए, समझिए, पकड़ों को जवाब दीजिए, देंगे के नहीं देंगे? इमाम हुसैन के दुश्मनों को जवाब देंगे के नहीं देंगे? हिम्मत पैदा कीजिए, एक दूसरे मिलेंगे तो ताकत होगी, और जब ताकत पैदा होगी तो ये सल्फिया ये अहले हदीस ये पकड़े खुद को खुद मारना है। ये इमाम शाफी के दुश्मन है, ये इमाम आदम अबू हनीफा के दुश्मन है, ये इमाम मालिक के दुश्मन है, ये इमाम अहमद हम्बल के दुश्मन है, ये इमाम हुसैन के दुश्मन है, ये रसूल पाक के दुश्मन है, ये सहाबा के दुश्मन है, ये अहले बैत के दुश्मन है, ये औलिया के दुश्मन है, इनको पहचानो। इसलिए मैंने ये अशआर आपके सामने सुनाने की सादत हासिल की है, मेरा भी अकीदा बुलंद हो गया और आपका भी अकीदा बुलंद हो गया, इसी अकीदे को थाम के रखिए। यही इमाम शाफी का तरीका है। आखिरी बात का सुनूंगा, कुल्ला सलम अलैहि हजरत मौत ताफिल कुरबा की तफसीर में इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अहले बैत अतहार की मोहब्बत का बुलंद मकाम बयान करें। इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ियल्लाहु अन्हु बहुत बड़े मुफस्सिर, नाम सुना है आपने? फखरुद्दीन राजी का नाम नहीं सुना आप बच्चों? बहुत बड़े मुफस्सिर, बहुत बड़े आलिम, बहुत बड़े वली इमाम फखरुद्दीन राजी, तफसीर कबीर की है। कुल्ला सलम अलैहि इल्ला मौतता, अभी इमाम शाफी ने क्या फरमाया इसी आयत की रोशनी में आपको अशआर की शक्ल में सुनाते हैं। अब इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ियल्लाहु तआला अन्हु इस आयत की तारीफ में हदीस से पाक ला रहे, सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया रबदार की मोहब्बत, मेरे हसनैन करीमैन की जो मोहब्बत रखेगा, सरकार फरमा रहे हैं मेरी अहले बैत की जो मोहब्बत रख के मरेगा वो शहीद मरेगा। इमाम फखरुद्दीन राजी तफसीर करबीर में फरमा रहे हैं, लिख रहे हैं रसूल पाक के भी, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो शहीद मरा, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो उसके गुनाह बख्श दिए जाएंगे, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो तौबा करके मरा, दाएं होकर मरा, और जो अहले बैत की मोहब्बत में मरेगा सरकार दुआ करें खबरदार हो जाओ, जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा उसको हजरत अदाजीर और हजरत मुनकिर नकीर उसको जन्नत की बशारत दे। ये सरकार की हदीस सुना रहा हूं, सरकार दुआ सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस पाक सुना रहा हूं और आपके सामने रख रहा हूं ये हदीस पाक, सुनिए। जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरेगा उसको हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम जब कब्ज करते हैं रूह को, जो जान जीतते हैं वो, और खबर में मुनकिर नकीर जो आते हैं वो लोग, ऐसी शख्स को जन्नत की बशारत देते हैं। और सरकार को आलम ने फरमाया, बाबा फखरुद्दीन राजी ने कहा जो अहले बैत अतहार की मोहब्बत में मरा उसको कल जन्नत में ऐसा ले जाया जाएगा जैसा किसी दुल्हन को दूल्हे के घर को ले जाएगा। अहले बैत की मोहब्बत इसलिए इमाम शाफी बोले मैं राफी कहलाना पसंद हूँ, मगर दामन अहले बैत नहीं छोड़ूंगा।
मैं दामन अहले बैत नहीं छोड़ूंगा, क्योंकि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा उसको ऐसा ले जाते हैं समार के जैसा दुल्हन को दूल्हे के घर ले जाते हैं। तो सरकार ने दुआ में फरमाया कि सुनने वाली बात है, बोलिए अगर खबर में सही जवाब दिए जाएंगे तो क्या होगा? जन्नत की खिड़की खुलेगी, जन्नत की एक खिड़की खुलेगी। मगर यहां सुनिए सरकार क्या फरमा रहे हैं। हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी हदीस को लिखते हुए तहरीर फरमा रहे हैं कि जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा सरकार ने दुआ फरमा रहे हैं उसकी खबर में जन्नत के दो दरवाजे खुल जाए। एक खिड़की नहीं, दो दरवाजे खोले जाएंगे। और सरकार ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत में मरा, मेरी अहले बैत की मोहब्बत में मरा वो मसलके अहले सुन्नत जमात का है। तो सरकार खुद कह रहे हैं कि मसलके अहले सुन्नत फख्र है, सदाकत मारा है। और तफसील कबीर में हजरत इमाम फखरुद्दीन राजी रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने यह भी बयान फरमाया कि जो अहले बैत के बस में अहले बैत की दुश्मनी में मरा, सर्वप्रथम तो नाम फातिहा मत दो या हुसैन मत दो लो, अहले बैत का नाम कहीं तो ले नहीं, राजी हो जाएंगे, उनका तस्करा मत करो, यजीद अच्छा था। तो यजीद की तारीफ करना ये इमाम हुसैन की दुश्मनी है कि नहीं है? बेशक बोलिए, बेशक। अब ये जो यजीद की तारीफ करने वाले इमाम हुसैन के दुश्मन है कि नहीं है? तो सरकार फरमा रहे हैं जो अहले बैत की दुश्मनी में मरा उसके दोनों आंखों के दरमियान में लिखा जाएगा ये अल्लाह की रहमत से मायूस है, अल्लाह की रहमत नहीं मिली, लिख दिया जाएगा मरने के बाद। अब नहीं, आज ये उनकी मना, आज मदद मांग उनसे, फिर ना मानेंगे कयामत के अंदर। मैं आपको ऐसी बातें बता रहा हूं, आपकी हिफाजत करोगे नहीं करो आपके ईमान की, आपको कैसी बातें बयान कर रहा हूं कि मरने के बाद पछतावा ना हो। वरना जो अहले बैत की मोहब्बत में दुश्मनी में मरेगा उसकी बेचारी पर लिख दिया जाएगा कि ये अल्लाह की रहमत से मायूस है। यही नहीं, सरकार ने फरमाया जो अहले बैत की मोहब्बत और दुश्मनी में मरेगा उसको वो काफिर बना, काफिर बना, काफिर बना, हुसैन की शर्बत को रोकता, इमाम हुसैन की दुश्मनी का हिसाब करता, काफर मरा, रसूल पाक फरमा रहे हैं। मैं तो और बोलूंगा, मैं तो इससे ज्यादा बोलूंगा, मेरे आका ने मुझे दे दी इजाजत कि काफर मरा, मैं तो कुमार दो रखी है उसको जन्नत नसीब नहीं होगी, वो मर्दूद है। सारे यजीदी काफर है, सारे मुनाफिकी काफर है, सारे पकौड़े काफर है। अब आ जा मेरे मुकाबले, कर बात, क्या कर रहे हो? मेरे आका ने इजाजत कर दिया फिर भी डर रहे थी, उनको दावत दोनों बुला रहे, उनके रिश्तेदारी कहा कर रहे, यजीद की तारीफ कर रहे हो? क्या अरब है, क्या मुसलमान है, क्या कलमा पढ़ रहे हैं, क्या रसूल की मोहब्बत का दावा कर रहे हैं? हाँ उनसे नहीं बोलना, उनको कुछ भी समझाना, उनको समझा के दो दम लेके चले आते। और सरकार फरमा रहे हैं काफिर मरा, अब इनसे रिश्तेदारी करेंगे? इनके पीछे नमाज पढ़ेंगे? इनके मदरसे में अपने बच्चों को भेजेंगे? इनको चंदे देंगे? इनको दीनदार समझेंगे? इनसे मुलाकात रखेंगे? इनको सलाम करेंगे? इनसे चाय पीएंगे? इनकी दावतों में जाएंगे? वादा कर रहे हैं तो मस्जिद में कायम रहो। हाँ ये कौन फरमा रहे हैं? रसूल पाक फरमा रहे हैं तो अहले बैत के वक्त में मरा, दुश्मनी में मरा, यजीद की तारीफ करते हुए मरा वो काफिर मरा। और सरकार फरमाए जो अहले बैत के वक्त में मरा वो जन्नत की खुशबू भी नहीं सुन सकेगा। इसलिए मेरे दोस्तों अहले बैत अथार से रابطہ मजबूत करो, अहले बैत अथार की मोहब्बत में मरने का जज्बा पैदा करो, अल्लाह से दुआ करो कि हमारी मौत आए तो अहले बैत की मोहब्बत में आए, ये दुआ करो। सरकार ये सिखा रहे हैं, इसलिए अहले बैत का हम तसला करते हैं। हमारा कल का जलसा 9 मुहर्रम का जलसा कल जो है पीर के दिन बाद नमाज ईशा जाहिर फंक्शन हाल अंदरून तालाब कट्टे में है, अजीम उस्ताद पैमाने पर है,
میں شہادت کے باب میں اور دیگر فلسفے شہادت اور اسرار پر وہاں گفتگو کروں گا. آپ ہزار دیگر میں آپ اس کے آگے کی باتیں سننے کے لیے یہاں تک لائیے. اور حضرت خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اشعار کا مطلب کیا ہے, حضرت بحر العلامہ عبد الخدیس صدیقی رحمۃ اللہ کے اشعار کے پڑھاؤں کا مطلب کیا ہے, اور خواجہ اجمیری رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک ہی رباعی ہے جو آپ سنتے ہیں, میں اور حضور غریب نواز کا کلام پیش کروں گا. اگر آپ 10 محرم کو 4 نومبر منگل کے دن صبح 10 بجے جامع مسجد افضل میں تشریف لائیں, آپ 10 محرم کو روزہ رہنا ہے, 9 محرم 10 محرم یا 10 محرم 11 محرم کو روزہ رہیے. 10 محرم کے دن غسل کیجیے, غسل جو 10 محرم کو کرتا ہے اللہ اس کو ہر مرض سے محفوظ رکھتا ہے. سرما لگائیے, عطر لگائیے, درود شریف پڑھیے, نماز پڑھیے, قرآن پڑھیے, 10 محرم کو روزہ رکھیے, غسل کریے, جو صاف ستھرے کپڑے ہیں پہنیے, اور ذکر حسین کرنے کے لیے, کیونکہ ذکر حسین بھی عبادت ہے, سرمایہ نجات ہے محبت حسین کی, خیر خدا پاک عدالت حسین. اس لیے ذکر حسین کرنے کے لیے آپ تمام کی کوٹھی شیر گیٹ کے اور تمام کی کوٹھی رہنے والوں کو دعوت دی جاتی ہے کہ 10 محرم کے دن آپ جامع مسجد افضل گڑھ میں تشریف لائے. خواتین کے لیے پردے کا انتظام ہے. خصوصی بات یہ ہے کہ جہاں آپ کے دل میں اہل بیت کی محبت کو راسخ کیا جائے گا وہیں پر آپ کے لیے دعا عاشورہ مقرر کی گئی ہے. 11:30 بجے دعا عاشورہ پڑھائی جائے, جو 10 محرم کی خاص دعا ہے. سرکار امام زین العابدین علیہ السلام نے فرمایا 10 محرم کو جو یہ دعا عاشورہ پڑھ لیتا ہے اللہ اس کو ہر بلا سے محفوظ رکھتا ہے. اس لیے آپ 10 محرم کو دعا عاشورہ پڑھنے کے لیے اور امام حسین کی محبت کو بڑھانے کے لیے, اہل بیت کے تعلق کو جوڑنے کے لیے, سرکار کو خوش کرنے کے لیے, اللہ کو راضی کرنے کے لیے 10 محرم کو آپ کو جامع مسجد میں ضرور بدور اپنی خواتین اپنے دوست احباب کے ساتھ تشریف لائیے. خالی ان شاء اللہ بول کے شامت میں بیٹھ جائیے. 10 محرم کو سونا نہیں ہے بلکہ امام حسین کے خزانے سے سونا حاصل کرنا ہے. اس لیے اٹھیے فجر کو, غسل کیجیے, نہائیے, دھوئیے, اچھے کپڑے پہنیے, دو سرما لگائیے, عطر لگائیے, درود شریف پڑھیے, فاتحہ گھر میں دلائیے, شربت بنائیے, کھچڑی بنائیے, کھچڑا بنائیے, قبول بنائیے, اللہ دیا تو بریانی بنائیے, جو بنانا چاہیے بنائیے, مگر امام حسین کی بارگاہ میں تحفہ پیش کیجیے, اللہ خوش ہو جائے گا. اور افضل گھر کی بند میں آ کر کا ذکر کریں گے تو پھر عقیدہ حاصل ہو جائے گا, پھر ہم بھی اپنے اور یہ اللہ اماموں کے راستے پر چلیں گے تو اللہ تبارک و تعالیٰ ہم کے سب سے میں ہم کو جنت فرمائے گا. آپ تمام طرح کا میں اپنی جماعت کی طرف سے شکریہ ادا کرتا ہوں. اللہ تبارک و تعالیٰ آپ لوگ امام حسین کی محبت میں یہاں بیٹھے ہیں, اللہ آپ کو امام حسین کے سب سے سب سے فرمائے. آپ بے حد شکریہ کے مستحق ہیں کہ دیر بیٹھ کے آپ نے یہ بیان کو سماعت فرمایا, آپ کا بہت شکریہ کیا, اور اس سے زیادہ شکریہ میں جناب محمد بن علی پاشا بھائی صاحب صدر استقبالیہ کا شکریہ ادا کرتا ہوں کہ آج 3 سال سے مسلسل اس مسجد میں پاشا بھائی صاحب اپنی کوششوں سے امام علی مقام صلی اللہ علیہ وسلم اہل بیت طاہر شہید علی کربلا کا جلسہ رکھ کر کن کوٹھی کے لوگوں کو امام حسین کا غلام بنا رہے ہیں. میں پاشا بھائی کا بہت شکر گزار ہوں کہ وہ بڑی محنت کے ساتھ جماعت کا بھی توجہ دیتے ہیں اور یہ جلسے کو منعقد کرتے ہیں. ان کے ساتھ رضاکار کا بھی شکریہ ادا کرتا ہوں جو ہماری جماعت کے کارکنوں کے ساتھ شانہ پرشانہ رہ کر جماعت کو ترقی دے رہے ہیں. اللہ ان کے صاحب الدا کو ترقی عطا فرمائے, ان کے علم میں ان کی کمائی میں برکت عطا فرمائے, اور تمام آپ لوگوں کی بھی کمائی میں اللہ برکت عطا فرمائے. شربت کا انتظام کیا گیا, جب سے شربت بولا نا تو پاشا بھائی شربت لا دی, تو لہذا سلام ہوگا, سلام کے بعد ملاقات کریں گے, اور اس کے بعد آپ امام حسین کا تبرک شربت پی کے جائیں گے, ویسے میں چلے جائیں گے, شربت پیجیے, 2 گھونٹی صحیح پی لیجیے. یہاں اگر امام حسین کا شربت پیجیے تو وہ کوثر کے مالک ہے, وہ ہمیں کوثر عطا فرما دے, کوثر کے جام دے دیں گے, کیونکہ ابھی نبی دیوبندی نے شعر پڑھا
कि अपनी जगह तलाश करो ऐ यतीम। अपनी जगह बोलो, अपनी जगह तलाश करो ऐ यतीम। कौसर ने हुसैन का जन्नत हुसैन।